27 जून को दिल्ली में यूथ कांग्रेस संसद भवन का घेराव करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने बीजेपी को घोटाला कर्मठ अवार्ड देने का भी फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के युवा वर्ग की तरफ से अवार्ड यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के बीजेपी कार्यालय तक पहुंचाएंगे। देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर इन दिनों जमकर सियासत देखने को मिल रही है। ऐसे में अब इन फर्जीवाड़ों को लेकर एमपी यूथ कांग्रेस नए और अनोखे तरीके से सरकार की परेशानी बढ़ाने जा रही है। 27 जून को दिल्ली में आयोजित यूथ कांग्रेस संसद भवन के घेराव के दौरान बीजेपी सरकार को घोटाला कर्मठ अवार्ड देगी। यूथ कांग्रेस के नेता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि जब कृषि में अच्छा उत्पादन होता है तो मध्य प्रदेश के किसानों के परिश्रम का प्रतिफल लेने मंत्री और मुख्यमंत्री कृषि कर्मण अवार्ड लेने दिल्ली तक दौड़ जाते हैं, लेकिन जब आज परीक्षा व्यवस्था में माफिया राज है, भर्तियों में धांधली हो रही है, तो बीजेपी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के छात्र और युवाओं ने फैसला किया है कि बीजेपी को घोटाला कर्मठ अवार्ड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों के परिश्रम का प्रतिफल लेने तो मध्य प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री में होड़ लग जाती है। जब किसान का उत्पादन बढ़ता है तो कृषि कर्मठ अवार्ड लेने दिल्ली तक भागते हैं, परंतु आज जब मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में माफिया राज है, भर्ती परीक्षाओं में धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, नर्सिंग महाघोटाला हो रहा है, व्यापम महाघोटाला हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भाजपा लेने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के छात्र और युवा ने निर्णय लिया है कि भाजपा को घोटाला कर्मठ अवार्ड देने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।